अभी भी बारिश फिर से शुरू हो गई है और हम लोगों ने अभी थोड़ा सा आधे घंटे का हॉल्ट लिया और वो ढाबे पे हमारा होम मेड इडली सांभर वगैरह खा लिया और अब हम लोग फिर से चलने लगे हैं। और जैसा कि रास्ते में कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने इसीलिए साइड गाड़ी में भी बहुत सामान है तो हम लोगों ने क्या कहते हैं नागपुर में ही होटल बुक कर लिया है और वो बिल्कुल सिटी के अंदर नहीं है तो ये बेस्ट चीज़ है। सो अब हम लोग निकल आए हैं यहाँ पे पेंच में जो ऊपर से पूरा फ्लाईओवर बना हुआ है वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। बस फील मिल सकती है कि नीचे सफारी हो रही होगी, लोग मजे कर रहे हैं और हम लोग ऊपर से अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश। और ये देखिए धूप भी आ गई, अभी तक बारिश थी, बड़ा अच्छा अच्छा सा मौसम था पर कोई फिकर नॉट, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। धूप आ गई, थोड़ी रोशनी मिल गई। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स और कैफे फाइनली कुछ ऐसे मिलने वाले जंगल कैंप्स, क्योंकि ये तो एक कमर्शियल जगह है तो यहाँ मिलेगा जो मिलेगा। तो अगर आप लोगों को एक स्टे लेना है तो बिल्कुल यहाँ लीजिए और अगले दिन सफारी करें और फिर निकले अपनी आगे की जर्नी के लिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हम लोग अभी भी इतना सुंदर पेंच का पूरा जो ऊपर से ओवर जो ब्रिज बना है सुंदर सा हाईवे यहाँ पे अभी निकल रहे हैं और बड़ा सुंदर लग रहा है। और अभी बज रहे हैं 4 और हम सुबह 8 बजे ग्वालियर से निकल गए थे। बीच में हमने मेजरली एक ही हॉल्ट लिया था जहाँ पे हमने आधे घंटे एक ढाबे पे रुक के खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग चल रहे हैं। और अब हम लोगों ने जो होटल बुक किया है नागपुर में वहाँ पे स्टे करेंगे और फिर कल निकलेंगे हम लोग हैदराबाद के लिए। ये बेंच में हमारा जो बैटमैन है वो भी घनचक्कर हो गया है क्योंकि इतने कर्व्स और स्विंग्स वाला रोड है। ये देखो हमारा बैटमैन बाहर निकल गया, वो उधर गया क्योंकि जो रोड है वो जू 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 हो रही है और ये हमारा बैटमैन उधर गया। इसको फिक्स किया जाए। ये इस तरह से ये पूरा बेंच में जो ऊपर है ये जू जू क्लिप्स आपको मिलेंगे और ऐसे आपको घूमना पड़ेगा पर मजा आएगा। फाइनली हम लोगों ने अब महाराष्ट्र एंटर कर लिया है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट होल जो कि हमने नागपुर सिटी में अंदर नहीं लिया क्योंकि हमने होटल हाईवे पे लिया है तो टोल भी हमें इसलिए देना है यहाँ पे। और अगेन 150 रुपीस का एकदम शानदार ग्रैंड टोल टैक्स भरते हुए 10 मिनट के अंदर एक टोल आता है और हम बढ़िया टोल टोलर्स खेल रहे हैं। तो अभी अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, नागपुर उधर साइड में था जो निकल गया और हम यहाँ से हाईवे से सीधे जाएंगे होटल, देन स्टे एंड देन कल जर्नी शुरू करेंगे हैदराबाद के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने होटल बुक कर लिया था नागपुर हाईवे के आगे ही, तो आए हम लोग सिटी में ही नागपुर की लेकिन पीछे के साइड से आए हैं तो मैं पहले ही इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आराम से हम लोग फिर अंदर चेक इन कर पाए। सो गाइस हम लोग आ गए हैं ली मेरिडियन में और यहाँ हम लोग आज रात में रुकेंगे बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस थी। हम लोगों के पास इतना सामान भी है और हमारे हैदराबाद जाने के लिए रूट के लिए सबसे बेस्ट है ये, इससे हम काफ़ी जल्दी पहुँचेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होटल में और हाई दिखाती हूँ आपको हमारा रूम जो कि है सबसे कॉर्नर वन विंडो के पास, तो देखते हैं हमारा रूम। रूम नंबर इज 415 और ये है वॉशरूम। ये है एंट्रेंस, यहाँ पर है ढेर सारी चीज़ें, ये चिप्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं और खाली है। फिर यहाँ पे है शीशा और यहाँ पे है वार्डरोब, ऐसा जब इतना यूज़ कर नहीं पाएंगे कल तक तो जाना है।
और ये व्यू आप देख लो, दिस इज द व्यू ऑफ द रूम, दिस द बेड, दिस इज द व्यू। यहाँ से आप देखो वही सुंदर सुंदर नज़ारे एंड द टीवी। शुरुआत हमारी अगले दिन की हो चुकी है और हम लोगों ने कर लिया है वहाँ से चेकआउट होटल से 9 बजे। ये हमारा है फर्स्ट टोल ऑफ द डे। नागपुर से बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोग तेलंगाना में। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, हम फिर से रेडी हैं अपनी ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए उन्हीं सारे फॉर्म में जो हम थे, क्योंकि हमारा जो सामान है वो एकदम फुल पैक बिना डिस्टरबेंस के पीछे है, तो हम जैसे हम वैसे ही जाएंगे जब तक हमारी पूरी ट्रिप कम्प्लीट नहीं हो जाती। और सुबह हमने हमारे होटल से चेकआउट कर लिया 9 बजे, रॉक्स आप समझ सकते हो। हम लोगों ने शुरू कर दिया जाने के लिए अपनी जर्नी और पहला टोल भी दे दिया हमने, तो जैसे ही तेलंगाना और हैदराबाद में पहुँचते हैं आपको वीडियो में दिखाएंगे, फाइनली कुछ सिटी, कुछ मकान, चीज़ें दिखेंगी। अब ये आप गाइस देख रहे होंगे झंडे, ये आपको समझ में आ जाएगा ये फ्लैग्स हैं महाराष्ट्र के। तो अभी हमने महाराष्ट्र क्रॉस नहीं किया है, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम फिर तेलंगाना स्टेट में पहुंचेंगे। और पेट्रोल भी अभी हमने डलवाया नहीं है, वो हम डलवाएंगे। और हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है 810 चल चुकी है किलोमीटर अभी तक, और आगे फिर जितने भी टोल टैक्स आते हैं वो बताएंगे। 2 टोल टैक्स निकल चुके हैं। सी गाइज, ऐसा लग रहा है एक एलियन को कुछ मिलता है ना, ये गाड़ी हमें बहुत टाइम बाद दिख रही है, ऐसे कोई नॉर्मल गाड़ी जिसमें हम जैसे लोग कोई जा रहे होंगे, वरना सिर्फ ट्रक दिखते हैं और सड़क और हम जा रहे हैं, बस ये हुआ जब से हम लोग आए हैं। तो पर्सनल ऐसे गाड़ियाँ वगैरह तो बहुत ही कम दिखी है, अब दिखेंगी क्योंकि हम लोग थोड़े से तो कमर्शियल एरिया में पहुँच ही रहे हैं और वेट कर रहे हैं कोई जगह खाने पीने की मिल जाए। अब थोड़ा व्यू चेंज हुआ फिर से, सब कुछ बिहड़ और ड्राई और सब ऐसे ही दिख रहा है। भूख लगी कुछ खाने के लिए यहाँ दिख नहीं रहा पेड़ पौधों के अलावा, तो आई होप आगे कुछ खाने मिले तो हम लोग शायद कुछ खा लें, भूख लग रही है। और जैसे ही हम स्टेट भी चेंज करेंगे तो आपको पता लगेगा। राजनंदिनी ढाबा निकल गया है पर वो भी ठीक ठीक है, कोई है ही नहीं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं भूख को अपनी, ऐसा सोच रहे हैं कुछ अच्छा मिले आगे। जैसे हम लोग दिल्ली आगरा उधर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं ना, देवराना, मिडवे ट्रीट और पता नहीं क्या क्या, यहाँ ऐसा कुछ देखने के लिए आँखें तरस रही है। ये ट्रक बोल रहा है ब्लो हॉर्न और हम लोग हो रहे हैं भूखे, हॉर्न बज नहीं रहे हमसे, कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ देखिए, क्या आपको लगता है यहाँ एक चाय की टपरी भी मिल सकती है? पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रक है बस, देखते रहो। इसलिए बहुत आपसे निवेदन है कि अपने बैग में खाने पीने की चीज़ें अवश्य लाएं, उनको खाएं पिए ताकि भूख को बचा सके। हम भी ऐसा करने वाले हैं कुछ देर में, अगर नहीं मिलता है कुछ और अगर मिल जाता है तो वी आर लकी। खाना नहीं मिल रहा है पर हमें टोल्स मिल रहे हैं बात बात पे, तो हम ये टोल्स को ही फूड कॉम्प्लेक्स समझ के अपने पेट को भर लेंगे, और तो कुछ नहीं है। पेट्रोल, टोल्स, पेट्रोल, टोल्स, ट्रक्स। कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी जो हमारे साथ ये वीडियो में है, हम फाइनली तेलंगाना में आ चुके हैं। मैं वेट कर रही थी एक टेक्स्ट मैसेज, जो ट्रेडिशनल एक तरीका होता है जानने का, वो हमें आ गया कि तेलंगाना में आ गए हम लोग। और हमारा म्यूज़िक भी थोड़ी देर पहले बदल के दूसरी लैंग्वेज में भी आया था, तो अभी बड़ा एक्साइटिंग है, सब कुछ चेंज होने वाला है, तो लेट्स सी क्या क्या बदलाव आएंगे। टोल भी कैसे बढ़े, क्या हो रहा है? ये देखिए फाइनली द फर्स्ट तेलुगु बोर्ड, तेलुगु टोल टैक्स हम देंगे। ये देखिए तेलुगु लैंग्वेज में दिख रहा होगा आपको,
और साइड से निकाल लिया। तो हमारा क्या हुआ, टोल नहीं लगा? पता नहीं लगा कि नहीं। वो लकी वी आर तेलंगाना में आए जैसे ही तेलंगाना में, तो फर्स्ट टाइम हमें अभी पता पड़ेगी जब ट्रांजैक्शन चेक करो। ये देखिए क्या बढ़िया रोड शुरू हुई, एकदम अच्छी सी नई नवेली सी। जैसे ही तेलंगाना एंटर हुए हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, और फिर हम जाएंगे कोई फूड जॉइंट पे, वो मिले तो सही। ये आदिलाबाद हम लोग आ गए हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा सा वाइब जा रहे हैं। यहाँ हमने एक रेस्टोरेंट सर्च किया है, लेट्स सी अच्छा मिल जाएगा कुछ तो हम एकदम टूट पड़ेंगे खाने का। मूंग दाल है मेरे पास, नटकट भी बची है मेरे पास, कल की चार इसमें रह गई है, बाकी पूरी कोशिश से चल रही है कुछ मिल जाए, पर मिल नहीं पा रहा है, पहली बार ऐसा है। ढूंढा जा रहा है, देखो क्या क्या ये गवर्नमेंट स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये देखो शॉपिंग का सामान मिल रहा है, खाने का नहीं मिल रहा बस। अब बिल्कुल धीरे चलो, ये वाले साइड पे भी कुछ होना चाहिए अच्छा सा, नहीं हुआ ना तो फिर मतलब नहीं है इतना घूम के आए अंदर। ये लो साईं राम टिफिन एंड मील्स, रुक दे इधर ही किसी पे दिख रहा है थाली, वो इडली सांभर ये सब मिल रहा है इस पे, मतलब बैठ सकते हो और देखना तो देखना। ये फैमिली रेस्टोरेंट राधा ग्रैंड, इस पे चल लेते हैं, खाना खाएंगे आराम से बैठ के। वैसा है वेज एंड नॉन वेज, मैगी वेटी चाहो तो उतर के पूछ भी सकते हो किसी से। ये देखो कुछ अच्छा है जोन, ये चलता है इस पे। IFC रेस्टोरेंट अच्छा सा दिख रहा है। हेलो गाइस, आदिलाबाद में फाइनली हमने पूरे शहर का राउंड लगाया, बट बहुत ही अच्छा हमें एक कैफ़े मिला है और बहुत सुंदर है, लाइव म्यूज़िक भी होता है रात में, बट हमें अभी कुछ शेक और बर्गर खाएंगे। हैदराबाद 335 रह गया अभी, और हम लोग ने फाइनली एक अच्छा होटल या कैफ़े बहुत अच्छा हमने सर्च किया अलीदाबाद में। तो अगर जब आप इस रूट से जाएंगे तो आपको अलीदाबाद का जो बहुत बड़ा सा एंट्रेंस दिखाए थे वीडियो में, वहीं से आपको एंट्री लेनी है, और बिल्कुल रोड पे ही आपको साइड में वो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छा शेक और बहुत ही अच्छे बर्गर्स, बहुत टेस्टी थे, बहुत फ्रेश थे, तो बहुत वर्थ था। अगर आप ऐसे कभी निकलते हैं तो यहाँ पर आप खाने के लिए डेफिनेटली आइए, और डेफिनेटली यहाँ पे आप खाइए। थैंक यू सो मच आदिलाबाद, बहुत ही अच्छा एक हमें ब्रंच देने के लिए, क्योंकि हमने सुबह कुछ नहीं खाया था, भूखे आ रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत थे कि क्या ढूंढे, मैप में सब कुछ ढूंढा बड़ी मुश्किलों से, नॉर्मल से रेस्टोरेंट ढाबे जैसे दिख रहे थे, वो भी पता नहीं कैसे थे, कोई बैठे ही नहीं था। तो ये भी हमें बहुत लास्ट में मिला, हमने पूरा सिटी का एक राउंड लगाया और हम फाइनली किसी डोसा कॉर्नर पे जाने वाले थे, बट एकदम से ये दिखा, IFC नाम था, KFC का अपोजिट, और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वर्थ था। और बात करें आगे की जर्नी की, तो अब शायद हम लोग सीधे चलते ही चले जाएंगे, खाना वाना हो गया। जैसे ही तेलंगाना में आए हैं, रोड्स बहुत ही अच्छी, फिर सुंदर सुंदर से पेड़, कहाँ येलो येलो फूल, वाओ लवली, टोल आ गया, फिर से मैं बाद में बात, क्योंकि टोल आ रहा है। टोल की कहानी हमने टोल नंबर 1 से शुरू की थी, 5, 6, 7 तक मैंने चेस किया, मैंने वीडियो में दिखाया, बट उसके बाद ये इतने हो रहे हैं ना कि हमने भी गिव अप कर दिया। अब हम लोग वीडियो के एंड में बनाएंगे। ये आग नहीं है, ये तोड़ रहे हैं ना, ये सब कुछ वही है। ये देखिए KGF चैप्टर 1 और 2 शूटिंग स्थली पे हम पहुंच गए हैं, जो कि है नहीं पर ऑब्वियसली ऐसी ही है।
ओके तो गाइज अब आप देख लीजिए भाई सिटी ट्रैफिक गाड़ियाँ। तो आज की जर्नी की बात करें तो हमने 9 बजे शुरू की थी सुबह और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे 4:04 हो रहे हैं तो 4:35 या 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फाइनली ये हैदराबाद का अच्छा पूरा लोकेशन हमें दिख रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स शोरूम्स सब कुछ है। आ चुके हैं असली हैदराबाद में, देखिए खूब गाड़ियाँ खूब ट्रैफिक ऊपर मेट्रो की लाइन। गाइस थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो और जैसा कि अब हम हैदराबाद आ चुके हैं तो श्योर हम लोग और सारे वीडियोस बनाने वाले हैं आई किया वंडर लॉ। गाइस अब देखिए मॉडर्न हैदराबाद जो पीछे हम छोड़ा है वो स्टार्टिंग पॉइंट थे तो यहाँ आप देख सकते हो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये आ चुका है गाइस गाची बोली हाईटेक सिटी जहाँ हमें जाना है यही हमारा ठिकाना है। ये गाइस आ गया आईकिया द वेरी फेमस प्लेस ऑफ हैदराबाद एवरीबॉडी नोज। सो गाइस पहुंच गए हैं हमारे घर। ये जो डेलॉइट की बिल्डिंग है ये घर के ऊपर टेरेस से व्यू दिखता है।